अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों बेटियों और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है और बड़ा करम है और आप लोगों का साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा चने की चाट। तो स्टार्ट करते हैं इंग्रीडियंट्स की तरफ। जिसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू जो मैंने बॉयल करके क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं, टमाटर एक अदद, लीमू एक है जिसकी चार पीस कर लिया, आपकी मर्ज़ी है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। खीरा है इसे भी मैंने एक ही शेप में कटिंग कर ली है। प्याज दो अदद दरमियानी साइज की प्याज थी जिसे मैंने काट लिया। चटनी बनाने मैंने अभी आपको आगे बताऊंगी। पुदीना धनिया जीरा गरम मसाला चाट मसाला काला नमक डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इमली की चटनी मैं बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में दोबारा आपको लिंक दे दूँगी। और इसके अलावा सियो, ये इसे क्या कहते हैं, सियो ही कहते हैं, ये है हमारे पास। और बॉयल चने स्टार्ट करते हैं। ये मौसम अच्छा हो तो चटपटी चाट बड़े मज़े की लगती है। इसको बनाने के लिए है अभी हम बाउल में, मैंने कितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने तक ये है, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। पोटैटो डालेंगे इसमें, इसके साथ ही टमाटर, बहुत मज़े की बनती है क्योंकि इसके अंदर जो है चटनी जो लगती है उसका तो मज़ा ही और हो जाता है। पापड़ी गलती है लेकिन मैं नहीं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि सियो डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा। नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नमक जो है कम ज़्यादा होता है, मैंने छोले बॉयल करते हुए भी नमक डाला था। और उसके अलावा जो है नमक, वैसे भी काला नमक भी मैंने डाला है चटनी में जब पीसते हुए, इसलिए नमक मैं कम डाला। आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप बनाइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब बारी आई ज़बरदस्त सी हमारी चटनी की। दही के साथ मिलके खट्टी मीठी चटनी के साथ चटपटी सी चाट हमारी। दही के साथ मिलके खट्टी मीठी चटनी के साथ चटपटी सी चाट हमारी। ये इमली और गुड़ से बनी हुई हमारी खट्टी मीठी चटनी। और इसके बाद जो डलेगा वाह यम्मी, बाजार की चाट खाना भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।